नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। दतिया के पंडोखर स्थित आश्रम के महंत गुरु शरण शर्मा द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने का एवं लूट का आरोप लगाते हुए भारतीय शक्ति चेतना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल ज्ञापन सौंपते हुए पुतला दहन किया। शक्ति चेतना मंच के लोगों ने दतिया के पंडोखर सरकार का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी, रीवा के कमिश्नर कार्यालय के पास मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन भी सौंपा, उचित कार्रवाई की मांग की। हम आपको बता दें, पिछले काफ़ी अरसे से शक्ति चेतना मंच और पंडोखर सरकार के बीच जुबानी विवाद लगातार जारी है। शक्ति चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने रीवा के कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेने के लिए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला भी कलेक्टर कार्यालय के पास मौजूद थे। शक्ति चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने दतिया स्थित पंडोखर सरकार के महंत गुरु शरण शर्मा का पुतला फूका। इस दौरान विरोध करने वालों ने कहा, पंडोखर सरकार के महंत गुरु शरण शर्मा द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, पैसे लेकर बीमारी दूर करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा देवी देवताओं का भी अपमान किया जाता है। इतना ही नहीं, जगत जननी जगदम्बिका का भी अपमान किया गया है। आपको बता दें, पंडोखर सरकार और ब्योहारी स्थित शक्ति चेतना मंच आश्रम के बीच आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से चल रहा है। हमारी टीम ने नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला और ज्ञापन सौंपने आए लोगों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। निश्चित रूप से माना जा सकता है, शक्ति चेतना मंच और पंडोखर सरकार के बीच चल रही जुबानी जंग और तेज होगी। जिस तरीके से शक्ति चेतना मंच के लोग खुलेआम पंडोखर सरकार के विरोध में उतरे हैं, निकट भविष्य में उनके समर्थक भी शक्ति चेतना मंच के खिलाफ उतर सकते हैं। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। पहले सबसे जय माता की, जय गुरुवर की। आज जो ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, इसके पीछे एक दतिया में पंडोखर सरकार के नाम से एक आश्रम है, जिसका महंत गुरु शरण शर्मा है, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है और पर्ची बना बना के गरीब असहाय निर्धनों को लूट रहा है। आपके पास कोई समस्या है तो वो कहता है हमें 50,000 दे दो, हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे, और देवी देवता हमारे बूट की पालिश करते हैं। ऐसे उन्होंने पूरे जगत जननी जगदम्बा को भी उन्होंने कहा कि हमारे बूट की पालिश करते हैं। इसलिए आज लाखों लाख लोग पूरे भारत देश में उसके खिलाफ हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हम माननीय तहसीलदार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि इसकी जांच हो, इसके साथ बड़ी से बड़ी कार्यवाही हो कि हमारा हिंदू समाज बच जाए, हमारा सनातन धर्म बच जाए। हमारे सनातन धर्म का एक लक्ष्य है कि सबका सबके परोपकार करें, सबको हम सही मार्ग दें, सबको सही दिशा बताएं। इस ओर जब हमारे परम पूज परमहंस योगी राज श्री सतगुरु जी महाराज ने इसमें आवाज उठाई तो वो पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा बौखला गया और बौखला के अनाप शनाप सबको बोलने लगा, जिसके कारण आज ये भक्ति मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वावधान में इस रीवा जिला में इसका पुतला दहन किया गया और इसको हम लोग जूते से चप्पल से मार के और इसको हम लोगों ने दहन किया है। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच हो कि इसका क्या कारनामा है और इसके पीछे हजारों लोगों ने बता के रखा है कि हमारा ये शोषण किया है, हमारा ये लूटा है गरीब लोगों को, जो अपना जमीन बेच के अपना घर बेच के उसके वहाँ गए और इसने को लूटा 25,000 के नाम से, 50,000 के नाम से, 1,00,000 के नाम से इसने लूटा है। इसके के खिलाफ हम लोग ये आज यहाँ पर ये रैली यात्रा निकाले हैं। नाम मेरा हीरा लाल उमरिया है, हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रीवा के जिला अध्यक्ष हैं। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।